नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन हमारे फ्रेंड ने पूछा है कि जब हम सोते हैं रात को तो हम अपनी फ़िज़िकल बॉडी में से अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को अलग कर पाते हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे वीडियोस में सुना है। तो वही इंसान जब मरता है तब वो अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को फ़िज़िकल बॉडी के साथ फिर से जोड़ क्यों नहीं पाता? मतलब जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम मॉलिक्यूलर बॉडी को फिर से अपनी फ़िज़िकल बॉडी में कनेक्ट कर पाते हैं। तो वही आदमी इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद भी अपने डेथ के बाद अपनी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर बॉडी को क्यों नहीं डाल पाता? ये क्वेश्चन लगता तो इंटेलिजेंट है, लेकिन है बड़ा आलस से भरा हुआ, क्योंकि ये केवल क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर काम नहीं किया गया है। तो इसके बहुत सी वजह है। सबसे पहला वजह ये है, डेथ के बाद फिज़िकल बॉडी में वापस आने के लिए एक मॉलिक्यूलर बॉडी को, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये ठीक वैसा ही है जैसे न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करे या कोई सिंगर बहुत सालों की रियाज करे, तो ये ऐसे ही नहीं आ जाता। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। दूसरी चीज़, ये सवाल जो पूछा गया है ये एक डिज़ायर है, एक मन की इच्छा है कि कोई आदमी मरने के बाद फिर से ज़िंदा क्यों नहीं हो पाता। इसमें खाली डिज़ायर से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको नॉलेज चाहिए, वो भी बहुत गहरा, आपको गाइडेंस चाहिए, और वो भी ऐसे इंसान का या ऐसे बीइंग का जो उसको पहले से जानता हो। एनलाइटन मास्टर्स जैसे कृष्ण हैं या जीसस है, या वो सभी लोग जिन्होंने अपने आप को जीते जी अपने बॉडी से अलग किया हो, क्लिनिकली अपने आप को मारा हो। और लास्टली, अगर कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाता है और वो आपको सिखा पाता है, तो इसको एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हज़ारों बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाकर के आपके डेथ के टाइम पर आप इसको कर पाओगे। और फिर भी मुझे डाउट ये है कि आप वापस करना चाहोगे, क्योंकि एक आदमी जो अपने आप को एक शरीर में वापस डाल पाता है वो यूजुअली शरीर को प्रेफर ही नहीं करता, क्योंकि एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है। एक ब्रेन या एक बॉडी जिसके सेल्स अब मर रहे हैं, डेथ के बाद जब हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट हमारी बॉडी को छोड़ देती है, जब वो मर रहा है, तो उसमें बहुत से ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो चुके रहते हैं कि अगर उस बॉडी में फिर से डिवाइन फ्रैगमेंट आती है तो ये बॉडी काम की नहीं रह जाएगी। और सेकेंडली, डेथ के बाद कौन है जो इस बॉडी में घुस सकता है? केवल वही लोग हैं जो बॉडी नहीं रह गए हैं, जो अपने आप को ग्रॉस से सटल फॉर्म में पहुंचा चुके हैं, जो जानते हैं कि वो शरीर नहीं है। तो अपने बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जाने का गूढ़ रहस्य केवल उनको दिया गया है नेचर के द्वारा, जो बॉडी नहीं है, जो अपने आप को अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और लास्ट, आप ये सवाल कब पूछते हैं कि मरने के बाद एक आदमी अपने बॉडी में वापस आ क्यों नहीं पाता है? जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी को मिस कर रहे होते हैं, तब। मतलब जब आपकी बॉडी में सारी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी रहती है दुख से, तब। या तब जब आप एंथुजियास्टिक हैं, क्यूरियस हैं, साधना और तपस्या करने के लिए एनर्जी से भरे हुए हैं। यूजुअली हम ऐसे मोमेंट्स पे जब बहुत खुश होते हैं, काम होते हैं, इस टाइप के सवाल पूछते नहीं हैं। लेकिन जो लोग पूछ पाते हैं उनकी लाइफ में एक बहुत गहरी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है। ऐसा इंसान एक ऐसी यात्रा शुरू कर देता है कि उसकी डेथ होती ही नहीं है, इसलिए ऐसे इंसान को फिर अपने बॉडी में आने की ज़रूरत ही नहीं होती। आई होप मेरे पॉइंट्स आपको थोड़ा पुश करें अपने अंदर जाने के लिए। और अगर आप ज़रा सा भी सीरियस हैं तो मेरे साथ ज़ेनोग एडवांस की यात्रा में चलिए। आई इन्वाइट यू इनटू दिस जर्नी विथ मी।